मुन्ने मियाँ सेब खाओ और जान बनाओ। चिंटू बेटा बाहर देखो कौन आया। अरे दूसरी बार बेल बजा दी है। अरे क्या हो गया लोगों को। अरे भाई सब्र तो करो, दो दो दफा बेल बजाकर क्यों बिजली का बिल बढ़ा रहे हो हमारा। क्या हो गया लोगों को, महंगाई का जमाने और बेल पे बेल दिए जा रहे हैं। अब्बा मियाँ रिश्ते वाले चाचा आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुन्ने मियाँ, क्या हाल चाल है। वालेकुम अस्सलाम तालब मियाँ, कैसे हो, कैसे आना हुआ, कुछ खाओगे तो नहीं। मुन्ने मियाँ सेब खा खा कर आपकी गालें लहू लहू हो रही हैं, थोड़ा सेब हमें भी खिला दें। क्यों नहीं, क्यों नहीं तालब हुसैन, ये लो सेब खाओ और जान बनाओ। बस ये बता दूँ आपको कि ये सेब 600 रुपए किलो हैं और पैसे मैं आपकी फीस में से काट लूँगा। और खाओ 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 भाई। नहीं ये सेब मना, ये आप ही खाएं। ओ तालिम मियाँ, ओ तुमने बताया ही नहीं, ओ भाई यहाँ कैसे आना हुआ। वो एक रिश्ता देखा, वो लोग ज़रा आना चाह रहे हैं। हाँ हाँ और बुला लो बुला लो। आज ही बुला लो। अरे क्यों नहीं भाई, अरे नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। तो भाई तुम आज ही बुला लो। अच्छा मुन्ने मियाँ। बेटा मेहमानों के सामने ना बड़ी बड़ी बातें करनी है, कुछ छोटी बात नहीं करनी। वो भाई आजकल के लोग छोटी बातें नहीं करते, वो भाई समझे हो। ज़रा ख्याल रखना मेहमान आ रहे हैं। अब्बा जी मेहमानों के लिए सामान ले आए। अरे बेटा गरीब क्या खरीदेगा, हर चीज़ तो डॉलरों के भाव है। अरे ये तो तुम्हारे अब्बा ही हैं जो शॉपर भर भर कर चीज़ें ला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अच्छा भाई साहब घर तलाश करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। नहीं नहीं हाँ, ये लड़की के वाले साहब हैं और ये लड़की के चाचा हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे मुन्ने मियाँ का गरीब खाना तो एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे हर जगह मशहूर है, बस नाम लेने की देर है। हाँ हाँ मुन्ने मियाँ की सखावत की मिसाल बच्चा बच्चा देता है। चिंटू बेटा, ओ भाई चाय में कितनी देर है। जी अब्बा जी मैं देखता हूँ। हाँ अरे भाई चाय में ज्यादा देर है तो फल ले आओ, जल्दी करो शाबाश। ये आपका बेटा है। जी हाँ, इसकी माँ के मरने के बाद मैंने ही इसे माँ बनकर पाला है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अब्बा जी ये फायदा आ गया। हाँ अरे लाओ लाओ भाई मैं काट कर देता हूँ। अरे लीजिए लीजिए ना खाइए। अरे फिर जाता हूँ, ये सेब की फांक वापस दीजिएगा। वो क्या है ना कि मैं निशान लगाना भूल गया हूँ। वो दरअसल मैं ना एक सेब की 12 फांके बनाता हूँ। ये दीजिएगा भाई।
हमारे बुजुर्गों की नसीहत है कि मेहमानों की खिदमत दिल खोल कर करनी है। हाँ जी जी, वो तो नज़र आ रहा है, आपका दिल बहुत बड़ा है। लोग एक सेब के चार टुकड़े करते हैं और आप तो माशाल्लाह से बारह बारह करते हैं। अरे आप भी तो लें। अरे आप भी तो लें। अरे नहीं नहीं, मुझे सेब मना है। अरे ले ना। नहीं नहीं, मुझे दे दें। नहीं 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 नहीं, और ये तो अब आपको खाना पड़ेगा। ओ भाई, ये आपके नाम का कट गया है, और वैसे भी वो सेब कौन मना करता है। लीजिए लीजिए, पकड़िए। लो भाई, चाय भी आ गई। चाय का एक कप। मन्ने मियाँ के घर दस्तरखान बहुत कुछ आता है। वो तो नजर आ रहा है। अरे भाई, लोगों के घर तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। अरे ये तो मुन्ने मियाँ का गरीब खाना है, जहाँ फल खाए जा रहे हैं, चाय चल रही है। अगर खाने का वक्त होता, शुक्र नहीं है, तो वो भी खिलाते। अरे भाई, हमारे घर में तो मेहमानों को खुली डुली चाय पिलाने का रिवाज है। हाँ ले लें। अरे भाई, चाय तो पिए, याद करेंगे आप। अरे मुन्ने मियाँ के घराने की चाय पी थी आपने। ले जनाब, पिए पिए। लड़के को तो बुलाई हूँ आप सामने। अरे भाई, लड़के को आपने क्या कहना है? लड़के को तो हम देखने आए हैं। शायद आपको गलतफहमी हो रही है। घर में शादी करने की तरतीब हुआ करती है। घर में सबसे बड़ा मैं हूँ, तो शादी भी तो पहले मेरी होगी ना। हैं?